हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जो लॉगिन पेज किस तरह से वर्क करता है, ओके, वो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूं। और हम लोग एक कंप्लीट जो लॉगिन पेज का प्रोसीजर होता है कि जब वो अगर वो सही से वेरीफाई नहीं हो सका तो फिर से लॉगिन पेज पे भेज दो, या फिर जब वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया तो उसे इंडेक्स पेज पे ले जाओ या फिर एडमिन पेज पे ले जाओ, तो वो सबका सब हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, ओके। और इससे अब आपका आपका दिमाग खुलेगा। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ओके। तो देखिए ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले यूज़र लॉगिन पेज पे आएगा, ओके। मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले यूज़र लॉगिन पेज पे आएगा, ओके। और फिर वो इस लॉगिन पेज के अंदर फॉर्म है, उसमें फॉर्म अपना फिलअप करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके। और फिर ये जो फॉर्म है ये हेलो डॉट पी एच पी के पास सबमिट होगा। मतलब हेलो डॉट पी एच पी में हम लोग लॉजिक लिखेंगे, मतलब पी एच पी कोड लिखेंगे जो कि बेसिकली वेरीफाई करेगा इस लॉगिन को, मतलब यूज़र नेम सही है कि नहीं है या फिर पासवर्ड सही है कि नहीं है, ओके। और अगर पासवर्ड सही है, मतलब सक्सेस हो गया, तो इसको इंडेक्स डॉट पी एच पी पे ले जाओ। मतलब हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे यूज़र को इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। और अगर वो फेल हो गया तो इसे फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन डॉट पी एच पी पे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैंने लॉगिन डॉट पी एच पी पेज को, मैं सब चीज़ को फ्रेश करता हूँ ताकि आप लोगों को, अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं भी देखा है तो चलेगा। और फिर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज को लेता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं डाटाबेस के साथ यूज़ करने वाला हूँ तो नहीं, मैं इसे हार्ड कोड करने वाला हूँ। मतलब हम लोग वैल्यू खुद से लिखने वाले हैं कि यूज़र नेम क्या होना चाहिए और फिर हम लोग चेक करने वाले हैं। मतलब अभी हम लोग डाटाबेस के साथ नहीं खेल रहे हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो आपको डाटाबेस के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डाटाबेस में तो बस दो तीन फंक्शंस होते हैं, डाटाबेस से डाटा निकालो और चेक करो, दैट्स ऑल, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ। फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है। और एक्शन, सिंस ये डाटा हेलो डॉट पी एच पी के पास जाएगा तो मैं हेलो डॉट पी एच पी लिख देता हूँ। और मेथड में लिख देता हूँ पोस्ट, क्यों, क्योंकि मैं अपने डाटा को सिक्योर्ड वे में भेजना चाहता हूँ ताकि ये यू आर एल में अपेंड होकर के ना जाए, ओके। और फिर मैं यहाँ पे इनपुट टैग ले लेता हूँ, इनपुट, और मैं यहाँ पे दो इनपुट ले लेता हूँ, ओके ओके। और जो पहला है वो टेक्स्ट रहेगा, दूसरा है मेरा टाइप पासवर्ड होगा, क्योंकि मैं पासवर्ड को दिखाना नहीं चाहता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ यूज़र, ओके। और यहाँ पे मैं नेम देना चाहता हूँ पासवर्ड, ओके। और फिर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ, प्लेस, ओके, आई एम सॉरी, प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ यूज़र नेम, ओके। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा 2 सेकेंड का टाइम बच जाए, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, राइट। तो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड का लॉगिन वो हो चुका है। अब मुझे बस एक सबमिट बटन लेना है, मैं यहाँ पे सबमिट ले लेता हूँ। और ये सब आप खुद से कर सकते हो। मेरा तरीका, मैं एमिट यूज़ करता हूँ वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। और वैल्यू में लिख देता हूँ लॉगिन, और फिर मैं इसको नेम दे देता हूँ, सॉरी नेम। और मैं नेम इसको क्यों दे रहा हूँ, नेम, इसका नाम तो चलो चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग यूज़र के बेसिस पे इसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड के बेसिस पे वैल्यू निकालेंगे। इसमें नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये जो बटन है ये एक्चुअली क्लिक हुआ है, मतलब सेट हुआ है, ओके। अब हेलो डॉट पी एच पी में आपको क्या लॉजिक लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको लॉगिन डॉट पी एच पी को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो लॉगिन डॉट पी एच पी आपका लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों को हाइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लिखना है ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ या फिर फॉल्स, मेरे को पता नहीं है, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली फॉल्स था, नहीं हो रहा है, ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ करूँ क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। मैं बस आपको कुछ बताना चाहता था यूज़ की चीज़ें, नहीं हो रहा है एक्चुअली, मे बी क्योंकि हम लोग डॉट पी एच पी एक्सटेंशन डाले हुए हैं इसलिए, ओके, कोई नहीं, राइट। तो आपका जो लॉगिन पेज है ये क्लिक हो चुका है, और जब मैं यहाँ पे कुछ भी भरूंगा तो आप देखिएगा ये हमारे हेलो डॉट पी एच पी के पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्शन एट्रीब्यूट दिया है वो हेलो डॉट पी एच पी है। अब मुझे क्या करना है, हेलो डॉट पी एच पी के अंदर इन सब वैल्यूज़ को लेना है। तो सबसे पहले मुझे पी एच पी टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पी एच पी का फाइल है और पी एच पी लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ इफ़ इज सेट, क्यों, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि सच में वो बटन क्लिक हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो फिर मैं उसे लॉग इन पेज पर भेज दूंगा डॉलर पोस्ट, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ किसको, मैं लॉग इन को चेक करना चाह रहा हूँ कि लॉग इन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। और फिर अगर नहीं हुआ है तो मैं उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
जो यूज़र है वो डायरेक्टली hello.php को एक्सेस कर रहा है, ना कि वो हमारे लॉगिन पेज से आ रहा है। तो उस समय आपको रिडायरेक्ट करने के लिए हेडर मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ जा करके देखिए, ऐसे नहीं चलने वाला है। ओके, और फिर आपको लोकेशन सेट करना रहता है, तो लोकेशन में कर देता हूँ login.php। ओके, और चलिए मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा hello.php और मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आपको login.php पे भेज देगा, राइट। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं hello.php लिख रहा हूँ और फिर जब मैं करूँगा तो login.php पे भेज देगा। क्यों? क्योंकि आप लॉगिन करके hello.php पे नहीं आ रहे, क्योंकि hello.php का काम क्या है? hello.php का काम है इस फॉर्म को चेक करना, लेकिन आप hello.php को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। पर हमने क्या, हमने कंडीशन लगा रखा है कि अगर लॉगिन बटन क्लिक नहीं हुआ है तो तुम लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दो। अगर लॉगिन बटन क्लिक हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक यूज़र वेरिएबल बना लेता हूँ, यूज़र इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विवेक। ओके, और मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, मैं पास लिख देता हूँ ताकि सिंपल हो, पासवर्ड लिख देता हूँ मैं 12345। ओके, अब आपके पास वैल्यू अवेलेबल है। कौन सी वैल्यू अवेलेबल है आपके पास? यूज़र नेम अवेलेबल, यूज़र अवेलेबल है और पासवर्ड अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इफ डॉलर यूज़र इक्वल टू किसके इक्वल टू, डॉलर पोस्ट में क्या, यूज़र, राइट। एंड फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मतलब अभी हम लोगों ने यूज़र को चेक किया, मतलब जो हम लोगों ने यूज़र, देखिए ये जो यूज़र है ये बेसिकली आपके डाटाबेस वगैरह से आएगा और ये जो यूज़र है आपके फॉर्म से आ रहा है। यहाँ पे हम लोग, मैंने बता रखा है डाटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, तो मैंने हार्ड कोड कर दिया है कि यूज़र नेम विवेक ही होना चाहिए। अगर विवेक के अलावा कुछ होगा तो उसे रिडायरेक्ट हम लोग कर देंगे लॉगिन पेज पे फिर से। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र नेम विवेक है, और फिर बस यूज़र नेम से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा डॉलर पास, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पासवर्ड, राइट। तो अगर ये दोनों पासवर्ड और यूज़र नेम वो हो रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इको करवा देता हूँ, वाओ यू लॉग्ड इन, और ये बस चेक करने के लिए। तो चलिए मैं इसे चेक करता हूँ, मैं login.php पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवेक। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12345, और चलिए मैं इसे लॉगिन करता हूँ। तो आप देखिए, वाओ यू हैव लॉग्ड इन, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्या दे देते हैं हम लोग, ट्रिपल इक्वल टू दे देते हैं, और इसका वीडियो मैंने बता रखा है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस, इसलिए आप लोग जाकर के मेरे वीडियोस को देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, जब ये यूज़र सक्सेसफुल हो जाए तो क्या करना है, हमें रिडायरेक्ट करना है। तो रिडायरेक्ट करने के लिए आपको हेडर मेथड का यूज़ करना पड़ता है। हेडर मेथड PHP के इनबिल्ट मेथड में आता है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे index.php पे रिडायरेक्ट, राइट। और चलिए मैं फिर से एक बार इसे रिफ्रेश करके करता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ विवेक, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12345, और चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास index.php पेज आ गया है। index.php पेज पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से वो कर लेता हूँ, ओके, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 लगा करके लिख देता हूँ वेलकम, राइट। और hello.php के अंदर अगर ये चीज़ सही नहीं हुआ तो क्या करना है, तब हमें फिर से उसे एल्स रीडायरेक्ट कर देना है लॉगिन के पास, राइट। सो दैट्स ऑल, हमारा जो लॉगिन फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब आप पूछ रहे हो कि ये तो बहुत आसान है, तो सच में ये बहुत आसान है, सच में PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आसान है। ओके, अब आप बोलोगे इसमें क्या क्या चीज़ टफ हो सकता है, अगर आप डाटाबेस के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो डाटाबेस के साथ करेंगे तो कुछ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यूज़र ने डाला है नाम, वो आपको डाटाबेस में क्यूरी करना पड़ेगा कि पासवर्ड निकालो, अगर कुछ ऐसा यूज़र नेम है तो है, और फिर आप पासवर्ड को चेक करोगे जो यूज़र नेम ने पासवर्ड डाला है, और वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। यहाँ पे मैंने हार्ड कोड कर रखा है, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम होने वाला है। तो चलिए, हमारा ऐप सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ विवेक, पासवर्ड दे देता हूँ 12345, और मैं लॉगिन करता हूँ, और आप देख सकते हो वेलकम आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने यूज़र नेम सही डाला है। वही अगर मैं 12345 की जगह पे मैं कुछ भी डाल दूँ और मैं लॉगिन करूँ, तो आप देखिएगा हम लोग फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे login.php के पास। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, और देखिए आप फिर से login.php के पास आ गए हैं। और उसी तरीके से मैं यूज़र नेम कुछ डालता हूँ और पासवर्ड कुछ डालता हूँ, तो आप देखिए फिर से login.php के साथ आ चुके हैं। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे विवेक डालूँ और यहाँ पे 12345 डालूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप index.php के पास आ चुके हो।
और एक और चीज़ जो हम लोगों ने किया था, अगर डायरेक्टली कोई हेलो डॉट पी एच पी को एक्सेस करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन डॉट पी एच पी के पास। उसी तरीके से इंडेक्स डॉट पी एच पी पे भी हम लोग यही काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेलकम तभी दिखना चाहिए जब यूज़र लॉग्ड इन है। ओके चलिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हमें ये डाटा वगैरह एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये था आपका सिंपल सा एक लॉगिन का किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से रिडायरेक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो को एक से दो बार देखिए, स्पीड हो तो कम करिए या फिर हो तो ज़्यादा कीजिए, पर देखिए, अच्छे से देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक थम्सअप दे दीजिए, मेरे मतलब लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल।